उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ठगी का खुलासा हुआ है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में 20,000 रुपए और जेवरात के लालच में 11 जोड़ों ने सामूहिक विवाह योजना के दौरान दोबारा शादी कर डाली। इससे यूपी सरकार को तकरीबन 3,00,000 रुपए का चूना लगा है। जानकारी के मुताबिक कुछ शातिर लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को चूना लगाते हुए सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ग्रेटर नोएडा में 11 जोड़ों ने महज 20,000 रुपए जेवरात और कुछ गिफ्ट के लालच में आकर दोबारा शादी कर ली। हैरान करने वाली बात यह है कि 11 जोड़ों में से 3 के तो बच्चे भी हैं। इनमें से एक शख्स 2 बच्चों का पिता है। बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था। इस दौरान कुल 66 जोड़ों की शादी करवाई गई। बाद में सामने आया कि इनमें से 11 जोड़ों ने पैसों के लालच में दोबारा शादी की है। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, कई विधायक और वरिष्ठ अफसर भी शामिल हुए थे। गौरतलब है कि पिछली सरकार में गरीब बेटियों को शादी के लिए 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने योजना में बदलाव किया है। अब सामूहिक विवाह होंगे और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 20,000 रुपए सीधे दिए जाएंगे। इस तरह प्रति जोड़े पर सरकार कुल 35,000 रुपए खर्च कर रही है। इसी कड़ी में यह घोटाला सामने आया।